ये बताएं शेख साहब कि ये जो शेख का वर्ड है, यू नो इट्स अ नोशन इन पाकिस्तान, देसी, हमारी देसी लैंग्वेज में कहा जाता है कि बड़े कंजूस लोग होते हैं वो, जिन्हें जो शेख होते हैं, तो क्या आप भी वही वाले कंजूस हैं? हूँ, हाँ जी, क्या आप वही वाले हैं आपको या कैसे नहीं? पता मैं कंजूस आपको देख के नहीं लग रहा? असल में यहाँ पे मिसकंसेप्शन है बड़ी अजीब सी। ये शेख जो है ना, ये एक बरादरी कह लें, एक कास्ट कह लें, एक क्लैन कह लें, लेकिन एक और वर्ड है शेख। तो इसका ये मतलब नहीं कि मिडिल ईस्ट सारा के सारे कंजूस है। हाँ जी, शेख का जो लफ्जी मायनी है वो है बुजुर्ग। मेरे जो आबाओ अजदाद थे, मेरे फोर फादर्स कह लीजिए, मेरे दादा के दादा कह लीजिए, वो इनफैक्ट आए थे कश्मीर से। उनको मतलब एक इज्जत की जगह पे शेख कहा जाता है, शेख। वो फिर कैरी कर लिया, मेरे दादाजी ने कैरी किया, मेरे वालिद ने कैरी किया, फिर मैंने कैरी कर और वो लिया, एक लेगेसी आपकी चलती आ फिर रही वो है। चली आ रही है। तो मैं कभी क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, और ना ही मैंने कभी इसको छोड़ने का या अपने उस जो मेरा वो क्लैन है, जो तो मेरी वो एक मतलब लेबल है बिल्कुल साथ। हाँ जी, मैंने कभी उसको शो करने की कोशिश नहीं की। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। देखिए, बेहतर व्हेन यू यू आर कैरिंग योरसेल्फ, यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एंड यू आर डिपिक्टिंग योरसेल्फ इन अ वेरी राइट वे, सो व्हाई देयर इज अ नीड टू एक्सक्लूड एनीथिंग अंडर द फ्लैग बीइंग इनसिक्योर या कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ठीक नहीं। किया इसमें आपने, एक सबसे जरूरी जो चीज होती है ना, वो आपका जहन और आपका दिल दिल। मुतमईन होना चाहिए। बिल्कुल जब आप अपने आप से मुतमिन हैं, आपसे किसी को नुकसान नहीं हो रहा और आप किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में फिर वो मैटर ही नहीं करता कि आप क्या हैं, बिल्कुल कौन से क्लैन से हैं आप। अगर आप इंसान हैं तो मेरे ख्याल में फिर नहीं, चीजें ये बिल्कुल चीजें मैटर बेमायने नहीं सी हो करती, जाती ये हैं। चीजें मैटर नहीं करती, बल्कि जो आपके दिल में होता है और जिस चीज को आप सेटिस्फेक्शन समझते हैं वो आपके चेहरे बल्कि पे रिफ्लेक्ट करता है, इट सियासत में टेल्स तो यू। ये बेटर ही नहीं करता। सियासत में तो बिल्कुल एक ऐसी चीज है जिसका वजूद ही नहीं है। इसका कोई दौर होता था कि आप अपनी बरादरी में शादी करते थे, अपनी बरादरी से बाहर निकलते थे, उसके अंदर ही घिरे रहते थे। आप हैरान होगी कि जिस जगह से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ या जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जी, आई डोंट हैव एनी रिलेटिव देयर। इट्स माई ओके, okay. सिंगल सिंगल होम। और जो मेरे क्लैन के लोग हैं, मोस्टली दे आर अगेंस्ट मी। ये होता है। और दूसरी बरादरी जितनी है वो सारी की सारी मेरे सपोर्टर्स हैं। और इसलिए मैं तो बिल्कुल भी इस पर बिलीव नहीं करता। वो तुम्हारा चला गया यार, मेरी एक बेटी कहीं और किसी बरादरी में, एक बेटी किसी और बरादरी में, बिल्कुल एक बेटा किसी और बरादरी में, एक बेटा मेरी अपनी बरादरी में, मैं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया है। इट्स एन एग्जाम्पल, यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल, बिकॉज कुछ लोग तो पूरी की पूरी नस्लों को, मतलब सीज नहीं होते, से ताला लगा देते हैं कि नहीं उस बरादरी में नहीं जाना, उस बरादरी में नहीं जाना, नहीं जी हमारी तो नाक कट जाएगी, हम लोग उससे बाहर गए। यू सी पीपल मैंने अराउंड अस आर कोई स्टिल एक, विद दैट नोशन। हालांकि ये बात करने वाली नहीं है, मैंने कोई एक भी रिश्ता सियासी नहीं किया, सारे हाँ जी, गैर सियासी। सही है। जब आप स्टूडेंट होते होंगे तो दोस्तों के साथ कभी ऐसा हुआ कि पापा ने डांटा हो आपको, कभी किसी बात पे पिटाई हुई हो बचपन में, कभी कोई ऐसा ओ वाकिया, शौकिया शरारते की हो? शौकिया खाता था मार। शौकिया। और सख्त है, मेरे वालिद बहुत सख्त है, बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। आज आज मुझे एहसास होता है, उस वक्त थोड़ा सा दिल गिरफ्ता होता था, लेकिन अब एहसास होता है कि उन्होंने ठीक किया, अच्छा किया, ठीक थे। हाँ जी, क्योंकि वो साहब इकदार भी थे। फिर उसके बाद उनके पास माशाल्लाह ठीक था, फाइनेंशियली भी ठीक थे। तो फिर ये भी हो सकता था ना कि हम किसी और रास्ते पे चल पड़ते। बिल्कुल नहीं। हाँ, बड़ा उन्होंने बड़ा सख्ती बरती, और मैं जानबूझ के भी शरारतें करता, शरारत नहीं करता था, काम खराब करता था, तो गालियां पड़ती थी, बड़ी गालियां पड़ती थी। अटेंशन सीकिंग नहीं, वैसे ही एम ही बच्चे बस। ऐसे होते हैं। बल्कि मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल ठीक कहा, वालिद का सख्त होना नेमत भी है। बहुत इट सख्त। ग्रूम्स यू, इट ब्रिंग्स योर यू नो हाँ, अ वेरी ट्रेन्ड पर्सनैलिटी उस व्हेन वक्त यू यही था, ग्रो अप। उस वक्त ये था हाँ दौर, जी, अब नहीं है ना।
अब वक्त के साथ चेंज्ड, हाँ जी, वक्त के साथ साथ आपको बदलना पड़ता है, वरना फिर आप पीछे रह जाते हैं। कभी कभी मैं भी अपने आप को बड़ा मिसफिट समझता हूँ। अब तो आप देखिए स्मार्ट जमाना आ गया ना, एक जमाना होगा कि ये यू कोई टेक्नोलॉजी होगी, एआई आ गया है, अब तो पता नहीं कहाँ से कहाँ दुनिया जा रही है, और वी हैव टू अडैप्ट आवरसेल्फ्स। अच्छी बात, हमें वो सीखना पड़ेगा, अच्छी बात, हम पीछे रह जाएंगे। यू आर राइट, वो अच्छा था, वो जमाना तो बेहतरीन था। आप अपने हाथ से अपने काम करते थे, एक वैल्यूज थी, बर्दाश्त थी, सब्र था, और सबसे बड़ी बात यह तकवा था। घर का एक फर्द कमाता था, 10 बैठ के खाते और बरकत थी, और खत्म नहीं होता, कमाई में बरकत थी बहुत, नियत अच्छी थी, खुदा पे बड़ा इत्तेहाद था, भरोसा था, ईमान था बड़ा मजबूत। और जो जो आपके इस जिंदगी से ये चीजें निकलती जाती है ना, आप फिर उसमें मसाइल में, मुसीबतों में, मुश्किलात में, एक के बाद एक आपका वो, आपकी ख्वाहिशात का वो जो होता है ना पूल, वो खत्म नहीं होता, जितना मर्जी आपको मिलता जाए आपको वो कम ही लगता है। मुझे नहीं पता आपने वो जमाना देखा कि नहीं देखा, मैंने देखा अपने गांव में बिजली नहीं थी बिल्कुल, लेकिन बड़ी पुरसकून जिंदगी थी, कोई शिकायत नहीं थी जिंदगी से, मजे में सोते थे, ना कोई गर्मी का एहसास था, ना कोई सर्दी का एहसास था, मतलब एक बड़ा अजीब सा माहौल था, और उसमें खुश थे सब। तो वो एक सिस्टम जो ना खत्म हो गया। अब तो रात 1 बजे तो आप बच्चों की, ये आपके बच्चे आप लोगों की, 1 बजे रात को सुबह होती है, हाँ जी, और वो सुबह तक चलती है। शेख साहब मुझे ये बताइए कि सियासत में आपका कैसे आना हुआ? जिस वक्त मैं सियासत में आया था, मैं खुद नहीं आया था। उस जमाने में आपके फैसले आप नहीं करते थे, आपके बुजुर्ग करते थे, बड़े करते थे। मेरे वालिद बाहर गए हुए थे, वापस आए तो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन था, दोस्तों ने उनसे कहा कि जी इसको आप इलेक्शन लड़ो, उन्होंने हुक्म कर दिया कि ये इलेक्शन लड़ेगा, तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने बताया ना बड़े सख्त थे, तो वो इलेक्शन मैं बिल्कुल 79 में, उस वक्त मैं जवान भी था, तो उन्होंने कह दिया हमने इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। मैंने क्या लड़ना था, उन्होंने खुद लड़ना शुरू कर दिया, बल्कि मैं तो ऐसे बड़ा नाम ही वो काउंसलर था, खुदा ने इज्जत दी। फिर उसके बाद 83 में फिर उन्होंने कहा, फिर 85 में मैं एक्सीडेंटली, वो मैंने इलेक्शन एक्सीडेंटली, वो भी मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं थी, वो हल्के के लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने कंपेन की, वो ही सब कुछ करते रहे, अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी, मैंने बन गया था, और छोटा मेरा भाई जो था वो MPA बन गया। बस उसके बाद फिर चल सो चल, कभी हार गए कभी जीत गए कभी हार गए। तो फिर अब आपको ये, अब आप तो इसमें बस गए, और माशाल्लाह आप तो इसके क्या कहते हैं उसे एक्सपर्ट। नहीं खास, मुझे काम कोई नहीं आता ना, अब इस उम्र में क्या काम करूंगा। नहीं बस कर दें, आप तो इतने माशाल्लाह जाने माने सियासतदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, स्पेशली मुस्लिम लीग नून के। सियासतदान नहीं कह सकते आपको, बस मैं कुछ ऐसा अजीब सा ही मेरे साथ है कि ना मैं सियासतदान हूँ ना मैं एक आम आदमी हूँ, पर कोशिश करता हूँ कि मैं वो बेहतरी कुछ कर। लेकिन आप एक रोल मॉडल जरूर है उन सबके लिए, कोशिश करता हूँ, पॉलिटिक्स को बकायदगी से फॉलो करते हैं जी। मैं कहता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर करूँ, बस। और मेरा कोई, अब मेरी उम्र में देखें, मेरी उम्र में ना आपको लालच है पैसे का, ना आपको लालच है इज्जत का, ना आपको लालच है किसी शोहरत का, मुझे खुदावंद करीम ने हर चीज से नवाजा। आप तो माशाल्लाह 1985 से रुकन असेंबली का हिस्सा है, रुकन कौमी असेंबली में है, तो आपने कभी कोई वजारत नहीं ली, जबकि अभी 87 रुकनी कौमी असेंबली शहबाज शरीफ की जो है इस पर काफी तनकीद हो रही है, तो क्या आप उसमें शामिल होंगे? असल में ना मैं आपको ये खर्च कर दूं कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, पहली बात तो ये है कि हर कोई तो वजीर नहीं बन सकता, दूसरी बात शायद मेरे में वो काबिलियत नहीं है जो बाकी वज़रा में है, बाकी सफीरों में है, मशीरों में है। तो मुझे, मैं एक और तीसरी बात कि मैं जरा थोड़ा सा ना कोई वो ख्वाहिशात रखने वाला बंदा नहीं हूँ। अब देखें ना, आप कितनी ख्वाहिशें रखेंगे, शुक्र MNA भी रहा हूँ, MPA भी रहा हूँ, वजीर भी रहा हूँ, अब मशीर भी रहा हूँ,
तो और इसके आप क्या मतलब कुछ ना कहीं तो आपको रुकना है। अगर आप मुझसे सच पूछें तो मैं सिर्फ अब मैं जो सियासत कर रहा हूँ अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए, तो एक दफा वो इस पटरी पर चढ़ गया हो सकते मैं रिटायरमेंट क्लेम कर दूँ। अब मेरे मजाज की सियासत नहीं है, आप खुद समझती हैं, देखती होंगी आप, सुनती भी होंगी, देखती होंगी। जब ये वक्त आ जाए कि आप, मैं कोई इतना छंडे दवा का आदमी नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई जुबान इतनी शाइस्ता है और मेरी जुबान से कोई फूल छिड़ते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, जैसे आप बैठे हैं या मैं किसी और प्रोग्राम में हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर से बेहतर करूँ। लेकिन आज क्या हो रहा है, थप्पड़, घूंसे, टांगे, गालियां, बदतमीजी, बद अखलाकी, खातून उठ के थप्पड़ मार रही है, खातून उठ के गिरेबान पकड़ रही है। मैं तो इस चीजों का कायल नहीं हूं, मतलब इसको सिर्फ आप नहीं देख रहे या आपका होस्ट नहीं देख रहा या आपके कैमरामैन नहीं देख रहे, इसको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है यार। तो क्या आप पेश करना चाहते हैं? चलिए असेंबली में ठीक है, सारी दुनिया की असेंबली में बदतमीजी होती है, लड़ाई मार पड़ाई होती है, सारी दुनिया में होती है, ये पाकिस्तान की असेंबली में खास नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपको एक ऐसा रवैया और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है जो लोग देख के आपसे सबक सीखें। मैं आपसे वही ऐसे अभी अभी वो बात कहीं और चली गई थी, तो मैं इसी सिलसिले में आपको बताता हूँ कि जब मैं मियाँ साहब से लंदन में मिला था तो वहाँ पे लोग बातें कर रहे थे, उनको जो चीज़ें डिस्कस हो रही थी, इकॉनमी, टेररिज्म, उसके साथ साथ लोड शेडिंग, तो मुझसे उन्होंने पूछा, मैंने कहा जी ये तीन चीज़ें आपकी जगह बिल्कुल हकीकत है, लेकिन एक बहुत बड़ा और चैलेंज है जो आप ही कर सकते हैं। मुझे वो क्या? मैंने कहा लब और लहजे की शाइस्तगी, अखलाक, बुर्दवारी, बर्दाश्त, लिहाज, ये हमेशा आप कर सकते हैं, इसलिए कि आप लोगों के साथ जब रेस्ट करते हैं तो आप बड़े लो टोन में, लो वॉइस में आप बात करते हैं, तो लोगों की ये बात आपकी बहुत पसंद है, आपकी सादगी पसंद है। तो आपको जो डिवीजन हो गई है आपकी सोसाइटी में, जो इस वक्त सोसाइटी में जो गलत आ गया है, एक ट्रेडिशन जो आ गई है गलत, उसको आपको बदलना है, और ये बहुत जरूरी है, वरना तो आपकी वो जो आप कहते हैं ना, पहले भी कभी आप एक नेशन तो नहीं थे, लेकिन बिल्कुल तबाह हो जाएंगे आप। और इसको इसको बदलने में आपका लीडरशिप जो है वही इसमें अमल कर सकती है, और मेरे जैसा या आप जैसा या हाँ आपके जो मीडिया हाउसेज हैं वो इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी बीमारी है, अब मैंने तो खान साहब मैंने जाना छोड़ दिया है टॉक शोज में, अब मैं अगर जाता भी हूँ तो मैं सिंगल सेगमेंट में जाता हूँ। अब मुझसे सवाल कीजिए, सख्त सख्त सवाल कीजिए, मैं आपके जवाब दूंगा।